महादेव। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में बैठ होंगे। तो सुबह हो गई है, यहाँ मैंने नहा वहा लिया है, अब हनुमान जी को भी प्रणाम कर लिया। घर पर रहते तो पूजा करते, तो यहाँ है तो यहाँ भगवान जी को मैंने हाथ जोड़ लिया है। यहाँ देखिए दीदी का मंदिर है, दीदी ने पूजा किया है और मैंने हाथ जोड़ लिया है। अब चल रही हूँ नाश्ता पानी करने के लिए, रास्ता वास्ता करूँगी, शाम तक घर जाना हो तो शाम तक घर निकलूँगी जाने के लिए। तो चलिए नाश्ता वास्ता करते हैं। दो एक गिलास पानी दो अंजलि, एक गिलास पानी दो। तो चलिए अब बिस्कुट खाकर पानी पी लेते, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। क्या हुआ, देखो पानी गिर जाएगा बेटा। देखो इधर, देखो ध्यान दीजिए क्या है। देखो इधर आओ, मेरे पास आओ जी। की यस जाओ जी के पास जाओ, जा रहे मेरे पास आई आ। हेलो, तीन बार गिरेंगे, ब्रश करो जाकर पहले। तो गाइस देखिए हम लोग दीदी घर से निकल पड़े हैं घर जाने के लिए अपने, और रास्ते में हम लोग अपना वीडियो शूट करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे हैं रिक्शे में बैठ के। और इस रास्ते में इतना मतलब कि हॉर्न की आवाज़ उड़ी थी पोपा पोपा करके एकदम, तो हम लोग ऐसे चले जा रहे हैं। और भी इस रास्ते में पंडाल में गाना होने लगा, वहाँ मेरी बेटी गाना सुन के डांस करने लगी। आप देख सकते हो कैसे नाच रही है गाना सुनते, और पीछे से मेरा बेटा भी हाथ हिला के नाच रहा है। रास्ते में देखिए जितने लाइट्स वगैरह पंडाल के पड़ रहे थे, मैं वीडियोस बना ले रही थी जो जो नहीं दिखा था, आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब कि लाइटिंग दिखी है मुझे। ये देखिए तिरंगा वाला लाइटिंग ऑरेंज वाइट और ग्रीन में है, आप देख सकते हो। और उसके आगे हम लोग चलते गए, अभी दूसरे से बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। और उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं नई सड़क, देख सकते हो ये सनातन धर्म की लाइटिंग है। वहाँ से जा रहे थे तो मैंने सारी रिकॉर्ड कर लिया, अंदर पंडाल के अंदर नहीं गए थे लेकिन बाहर से सारा लाइटिंग रिकॉर्ड मैंने कर लिया है, आप देख सकते हो। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी गाइस, इतनी ज़्यादा लिटरली इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, आधा घंटा हम लोगों को यहाँ खड़ा रहना पड़ा। धीरे 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 बढ़ा था, शाम हो गया था तो घूमने का टाइम हो गया था, सब लोग घूमने भी निकल पड़े थे। और मेरी बेटी यहाँ सो पड़ी थी, ये तो थोड़ा सा भी बैठती है सो पड़ती है, और मेरा बेटा उससे परेशान कर रहा है, उससे मैं डांट रही हूँ तभी नहीं सुनता है, फिर डांटा तो उसने हाथ हटाया। और इतना जाम था, आधा घंटा हम लोग को रिक्शा से सिर्फ गदौलिया से ले कर बेनिया पहुँचने में आधा घंटा लग गया। अब देख सकते हो रिक्शा खड़ा है तो खड़ा ही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो देखिए आप कितना ज़्यादा भीड़ है, अब मैं मोबाइल को ऊपर करके दिखा रही हूँ, जहाँ तक नज़र जा रहा है देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले तो ऑटो में पकड़े, ऑटो पकड़ के घर जाने लगे। रास्ते में ये पड़ गया जगतगंज का पंडाल, तो हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा मैंने लाइटिंग का वीडियो बना लिया है, आप देख सकते हो। और फिर हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ एक जगह रावण दहन की तैयारी चल रही थी, आप देख सकते हो रावण को बना के पूरा प्रतिमा रखा हुआ है रावण का जो होता है, और वो राम जी उसे तीर चला के उसका वध करेंगे रावण का। यहाँ पे 10 दिनों का रामलीला होता है, 9 दिन और 10वें दिन होता है यहाँ पे रावण दहन, आप देख सकते हो। उधर का सारा रास्ता बंद है इसलिए एक ही साइड से गाड़ी आ रही है जा रही है, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगी थी। और उसके बाद जैसे तैसे कई तो पागल हो गई थी मैं, गर्मी है कितना ट्रैफिक, और जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे। घर पहुँच के थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद घर में झाड़ू पोछा लगाया, बापू ने संझा दिखाया, दिया बत्ती किया घर में, और फिर क्या करना था उसके बाद खाना बनाना था। मैंने खाना वाना बनाया, खाना वाना बना लिया, पहले तो बैठी थी आराम किया, आराम आराम करने के बाद फिर झाड़ू पोछा, जैसे मैंने आपको बताया कि झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद बाबू ने दिया बत्ती दिखा दिया, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा लेटे थे, लेटने के बाद उठे और फिर सब मैंने उठा तो खाना वाना बनाया, और उसके बाद क्या करना था गाइस, खाना वाना बनाने के बाद और फिर यहाँ इतना मूर्ति विसर्जन जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, गाना इतना अच्छा अच्छा गाना बज रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मूर्ति विसर्जन जा रही है और सारे मतलब कि गाने मतलब इतने दरवाजे के पास से ही सारे मूर्तियाँ जा रहे हैं। और बता मेरे पैर में इतना मतलब देखिए मेरा पैर कितना सूजा पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कहीं जाती नहीं घूमने फिरने पैदल, इतना मैंने कहीं गई भी नहीं। आपने देखा कि मैं दीदी के घर थी सिर्फ नकटिया वाले दिन थोड़ा सा निकली थी, वरना फिर बड़ी वाली दीदी के घर थी एक दिन, एक दिन बड़ी छोटी वाली दीदी घर थी, और फिर तीसरे दिन अपने घर चली आई।
ये लोग तो अपना घूम रहे थे, इन लोग को मैंने छोड़ दिया, जाओ घूम लो वहाँ पे, उन दीदी का देवर, दीदी की जो देवरानी है उनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ है। और मेरे पैर में गाइस ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा, और थोड़ा थोड़ा देख रही है आप लोग फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा भी लग रहा है, इतना ज़्यादा दर्द होने लग रहा है ना, आप देख सकते हो मेरा तो थोड़ा सा लग रहा था, तो हालत मेरा ख़राब हो जा रहा है दर्द से, उसी में दर्द हो रहा था, इतना जलन भी हो रही है और थोड़ा सा मतलब कपड़ा भी रगड़ा जा रहा है, उसमें काफ़ी दर्द हो रहा हो, तो इसीलिए और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और कुछ मैं और बोल रही थी तो कुछ याद नहीं आ रहा मैं उस टाइम क्या बोल रही थी। और उसके बाद कि पर मतलब मूर्ति जा रही थी, वही मैं आप लोग बोली यहाँ से मूर्ति विसर्जन जा रही है, इतने लाउड म्यूज़िक बज रही थी गाइस, बहुत अच्छा लगता है गाना, भगवान जी का गाना कोई भी गाना आता है ना बदन झूमने लगता है, मन करता है डांस करूँ वो करूँ सब करूँ। आप देख सकते हो आप बिकल में मेरी बेटी बैठ के मुझसे पकड़ पकड़ कर रही है, उसका भी वॉइस जा रहा है धीरे धीरे, उसका भी थोड़ा बहुत वॉइस जा रहा होगा, और इतना ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही मैंने इसीलिए तो वॉइस ओवर दिया, वरना मैं वैसे ही रिकॉर्ड करके डाल देती तो मतलब कि एडिट करके डाल देती वीडियो, तो फिर जाके मेरा वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर रात हो गया, रात को हम लोगों ने खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद सारा काम ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद इसलिए मैं लेट गई थी, लेट गए थी, और मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, बोले चलो उसको मूर्ति विसर्जन दिखा कर आता हूँ, तो मेरी बेटी को लेके लावण्या, मेरी बेटी का नाम है गाइस लावण्या, को लेके बाहर गए थे। अब बाबू मेरे पास था, इससे मैंने कहा कि जाओ तुम भी चल जाओ, तो नहीं गया है, तो नहीं गया तो उसकी मर्ज़ी नहीं गया। और फिर हम अपना काम वम करके बैठे थे, तो फिर करना क्या था, रात हो गया था, सोना था, तो इसीलिए मैंने तब चला सोचा, तो फिर चलिए। और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, ये मेरे से चिपका हुआ रहता है, देखिए अभी वीडियो बना रही तो आ गया है, मुझे चिपक गया है आकर, आप देख सकते हो। और चलिए तब इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को क्या करूँगी गाइस, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि रात हो गई है और हम लोग सोने जा रहे हैं और आप लोगों को भी सोना है, तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपसे नए वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है गाइस, बाय बाय एंड Take care, guys.